नमस्कार। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मुसलमान मुक्त उत्तराखंड में बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी उत्तराखंड का उत्तरकाशी का एक कस्बा पुरोला तालिबान बन गया है। वहां से चुन चुन करके मुसलमानों को भगाया जा रहा है और 15 तारीख से पहले अगर मुसलमानों ने वो जगह खाली नहीं कर दी थी तो फिर अंजाम भुगतने का भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इन्हीं बिगड़े हालातों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार तिलोटकन भट्ट जी हमारे साथ हैं और उनसे वहां की जमीनी हकीकत के बारे में जानेंगे। तिलोचन भट्ट जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है? उत्तराखंड में 15 तारीख से पहले सभी मुसलमानों को पुरोला खाली कर देने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मुसलमानों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। खुलेआम मुसलमान मुक्त उत्तराखंड के पोस्टर्स लग रहे हैं। अभी तक वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने किसी पर कोई भी FIR तक दर्ज नहीं की है। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? मैम, सबसे पहले बात तो ये है कि ये केवल पुरोला का ही मामला नहीं है। पुरोला के बहाने पहले नारा दिया गया उत्तरकाशी मुक्त मुसलमान मुक्त उत्तरकाशी, अब तो मुसलमान मुक्त उत्तराखंड तक कहा जाने लगा है। और ये अचानक नहीं है, ये कुछ समय पहले यहाँ एक लैंड जिहाद की बात की गई। लैंड जिहाद हो रहा है। लैंड जिहाद क्या हो रहा है भाई? कोई ऐसा मुसलमान तो है नहीं जिसने बड़ी मात्रा में यहाँ पे जमीन खरीद ली है। ये था दरअसल छोटे छोटे वन विभाग की जमीन में मजार बनी हुई है यहाँ। और उन मजार की हकीकत मैं आपको बताऊं तो आपको ताजुब होगा। हमारे यहाँ जो है वो तांत्रिक कुछ क्रियाएं चलती हैं, देवता लग गया और उनमें से किसी को सैद लग जाता है। सैद मतलब कोई मृत मुसलमान की आत्मा, यहाँ की वो है ये। तो जब किसी पे वो लग जाती है तो वो उसकी पूजा के लिए एक मजार बना देते हैं। ये उन मजारों की हकीकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये है रुद्रप्रयाग जिले में मयाली, कोई जगह है मयाली और तिलवाड़ा के बीच किसी ने एक मजार बना दी। अब ये जो इस पुरोला वाले आंदोलन में सर्वे सर्वा बने हुए हैं देवभूमि रक्षा अभियान वाले स्वामी जी, उन स्वामी जी ने उसको मुद्दा बनाया। बाद में पता चला कि ये मजार एक ड्राइवर ने बनाई थी जो दिल्ली से वहां मयाली तक गाड़ी चलाता था, उस पर कोई सैद का वो लग गया था तो उसने बना दी। और अब वो वहां के भाजपा विधायक का खासम खास आदमी है, उसने वो बनाई थी। ये यहाँ की मजारों की हकीकत है। यानी कुल मिला के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ये तिलोचन भट्ट जी लैंड जिहाद पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उत्तरकाशी के पुरोला कस्बा में या तो सारे मुसलमान उत्तरकाशी छोड़ करके जाने की तैयारी में है या तो सबने अपनी अपनी दुकानें समेट ली हैं, सब हमेशा के लिए छोड़ने के प्रयास में हैं, सब इतना भय का माहौल वहां पर फैल गया है। तमाम हिंदू संगठन के लोग इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। तमाम कानून के होते हुए, संविधान के होते हुए उत्तराखंड को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? तालिबान बन रहा है क्या उत्तराखंड? जी, मैं वही आ रहा हूँ। तो ये शुरुआत थी, ये मजार वाली लैंड जिहाद शुरुआत थी। अब लव जिहाद की बात करें। अब पुरोला का आप मामला लीजिए। पुरोला में तो एक हिंदू युवक है, एक मुसलमान युवक है। और यदि ये सच में ऐसी घटना हुई है, किसी लड़की का अपहरण करने का मामला था, तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया, बात खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, उसके बाद इसको बढ़ाया गया है। और ये दरअसल एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और ये नहीं, क्यों बढ़ाया गया, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। आप तो पत्रकार हैं, वहां की जमीनी हकीकत जानते हैं त्रिलोचन जी, क्यों बढ़ाया गया? देखिए, एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान युवक के साथ मानिए पकड़ी गई, तो फिर कार्रवाई अगर कुछ गलत है तो उन पर होनी चाहिए, आगे का काम कानून को करना चाहिए। लेकिन सारे मुसलमानों को उत्तराखंड से भगा दिया जाएगा, सारे मुसलमानों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, और अगर 15 तारीख से पहले दुकानें नहीं खाली करी तो फिर अंजाम भी भुगतने को तैयार हो जाए तमाम मुसलमान, उनको जिहादी कहा जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पे BJP की जमीन काफी खिसक चुकी है पिछले कुछ महीनों में या एक साल के दौरान BJP की जमीन खिसकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का डर दिखाना, जबकि उत्तराखंड में मुसलमानों की बहुत कम संख्या है। यहाँ के मूल निवासी भी हैं, कुछ बहुत थोड़े हैं, और कुछ लोग बाहर से यहाँ वो बिजनेस करने आए, छोटे मोटे बिजनेस करते, कोई बहुत बड़े बिजनेस भी नहीं है। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि जो है 2024 के चुनावों के लिए पहाड़ के लोगों को मुसलमानों का डर दिखाकर वोट खींचे जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में यही हुआ,
विधानसभा चुनाव में ये त्रिलोचन जी मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, पुरोला से सारे मुसलमानों को भगा करके पूरा उत्तराखंड खाली करा देंगे मुसलमानों से, उत्तराखंड जीत लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा इससे? हाँ तो बस यही है, होना कुछ नहीं, इन्हें भी पता है कि भारत के संविधान में हर नागरिक को कहीं भी अपना व्यवसाय करने की वो है, इन्हें भी पता है नहीं जा सकते, लेकिन ये तो केवल हल्ला करना है ना इनको, केवल इनको ये स्थापित करना है कि देखो मुसलमान बड़े खतरनाक है, हमारी बहन बेटियों को भगा रहे हैं और हमारे इस तरह से कर रहे हैं, ये केवल एक स्थापित किया जा रहा है लोगों के बीच कि देखो आप किसी दूसरी पार्टी को वोट मत देना, इनसे हम ही नहीं पढ़ सकते हैं, ये हुआ है। त्रिलोचन जी, मैं थोड़ा ऐसे समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप इस चीज को विस्तार से समझाएं कि अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान युवक के साथ कहीं जाते हुए पकड़े गए तो सारे मुसलमानों को भगाए जाने लगा, वो पूरा किस्सा क्या रहा? मैं शुरू से जानना चाहती हूँ कि ये पूरी कड़ी से कड़ी कहां से जुड़ती हुई चली आई कि अब सारे मुसलमानों के को भगाने का प्रयास किया जा रहा है पुरोला से। ये पूरी यदि मैं घटना बताऊं 26 मई की जो घटना है, वो लड़की जो थी जो माइनर बताई जा रही है और दलित लड़की है, वो दो लड़के थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, वो दोनों जा रहे थे कहीं ऐसी जगह भी नहीं। अच्छा, जा रहे थे। एक मिनट, जो दो युवकों की बात हुई उसमें से एक हिंदू और एक मुसलमान युवक था जो कि एक हिंदू दलित नाबालिग लड़की को लेकर के कहीं जा रहे थे, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, दोनों मुसलमान नहीं थे, एक हिंदू युवक था और एक मुसलमान युवक था। क्लियर करते जाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से आजकल लोगों के सोच में जहर घुल गया है। त्रिलोचन जी, इसलिए मैं आपको रोक रोक करके विस्तार से पूछ रही हूँ, पूरी बात फिर से बताइएगा। जी जी, ये एक हिंदू लड़का है, एक मुसलमान लड़का है, लड़की माइनर है, दलित है, ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि आपस में इनकी जान पहचान है, और ये जैसे कि शाम के समय घूमने निकलते हैं लोग, ऐसे ये तीनों जा रहे थे, और पहले तो बताया गया कि फलां जगह से पकड़े गए, फलां जगह से, कहीं से नहीं पकड़े गए, पुरोला से थोड़ा सा कुछ सौ मीटर दूर पे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे ये इन लोगों ने रोक लिया और फिर उनको बिठा दिया। एक लड़का उनमें क्योंकि मुस्लिम था तो तुरंत लव जिहाद हो गया, और उसके बाद मुझे तो यहां तक पता चला है कि वहीं बैठे बैठे पुलिस के लिए एप्लीकेशन तैयार की गई, फिर लड़की के परिजनों को बुला दिया गया और फिर उनके उनके वहां दस्तखत करवाए गए पुलिस ने तुरंत, और फिर दोनों लड़कों को पुलिस को सौंपा गया, पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। लड़की के जी, क्या लड़की ने बयान दिया कि ये लव जिहाद का मामला है, मुझे जबरदस्ती अपहरण किया जा रहा था, मुझे ये लोग जबरदस्ती ले जा रहे थे? लड़की ने 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए हैं, लेकिन इन बयानों को ये लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी पुलिस सार्वजनिक नहीं कर रही है, और ये भी बताया गया है कि पुलिस ने लड़की के पिता को देने से भी ये कह के इनकार कर दिया। तो आगे का काम तो कानून का हुआ, अब कानून अपना काम करे, ठीक है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, वो त्वरित कार्रवाई रही, लेकिन अब सारे मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनको अल्टीमेटम क्यों दिया जा रहा है? 15 तारीख की पंचायत रखी गई है, नहीं भागे तो बहुत बुरा होगा, वही है ना, वो नैरेटिव बनाना है ये। जबकि क्या मतलब होता है, एक लड़के ने गलती कर दी, माना कि वो पकड़ा गया है, सारे मुसलमानों को आप कैसे भगाओगे? और उनमें कई मुसलमान ऐसे जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, एक आदमी से मेरी लगातार बात हो रही है, हालांकि वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा, इतने डरे हुए हैं। तो मैं जब पिछले दिनों वहां गया था इस प्रकरण के बाद, मैं वहां देखने गया कि वो क्या रहा है, तो वहां पे जो लोग चाहते हैं कि भाईचारा बने रहे और सद्भाव बना रहे, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, वो भी डरे हुए हैं। लेकिन जी, पुरोला के लोग जो भाईचारा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह की बात ना हो, वो चुप है, वो कुछ नहीं बोले, मेरे सामने भी कुछ नहीं बोले, जबकि मैं वहां पत्रकार नहीं, एक सामान्य नागरिक बन के गया, मैंने कहीं नहीं कहा मैं पत्रकार हूँ, उसके बावजूद किसी ने मेरे सामने मुंह नहीं खोला, नहीं नहीं जी हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष है, जो हुड़दंगी पक्ष जो है, उसके लोग बढ़ चढ़ के उनको थोड़ा पूछो तो बड़ी बड़ी, और मुसलमानों के खिलाफ एक से एक मनगढ़ंत कहानियां उनके पास हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, मैंने उससे पूछा कि भाई अब से पहले भी किसी मुसलमान के खिलाफ कोई ऐसा मामला आया था? उसने कहा नहीं जी, पहले जो शिकायतें आती थी वो छिपी होती हुई होती थी। मैंने कहा कोई छिपी हुई शिकायत? कोई शिकायत थी नहीं, यानी कि सारा मनगढ़ंत है। तो अलग अलग तरह की कहानी वो मुसलमानों के खिलाफ वहां फैलाई जा रही है और पूरा प्रपंच किया जा रहा है एक तरह से। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है और अब सरकार चाहती है कि एकदम मूक दर्शक बन करके ये हिंदू मुसलमान होने दो, बहुसंख्यक आबादी को बड़ा खुश कर देंगे ये करके, ऐसा लग रहा है आपको? क्या ऐसा हो रहा है? मुझे लग रहा है, ये तो मैंने पहले कह दिया, 2024 का चुनाव इनको जीतना है और मूक दर्शक नहीं है सरकार में, आपको बता दूं सरकार इसमें शामिल है। इन दिनों मुख्यमंत्री 2 बार उस इलाके में गए हैं और दोनों बार उन्होंने, जी पुरोला नहीं, उत्तरकाशी जिले के अलग अलग जगह पे दो बार गए, और दोनों बार उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिक्र करके एक तरह से चिंगारी दिखाई है।
तो जब मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो नीचे वाले तो करेंगे, वो तो एक तरह से उनका संकेत है। अब आज मुख्यमंत्री का कोई बयान आया कि हम शांति चाहते हैं, अब इतना सारा कुछ करके अब शांति की बात कर रहे हैं, मतलब लव जिहाद जब मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोल रहे हैं, लैंड जिहाद बोल रहे हैं जिन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरकार इसमें शामिल है, हम तो साफ कह रहे हैं। जी त्रिलोचन भट्ट जी, जो एक पंचायत होने वाली है 15 तारीख को, कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू संगठन के लोग और हिंदू लोग उसमें एकत्रित हों, और तरह तरह के विवादित भड़काऊ बयान और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या सरकार, अगर शांति चाहती है तो क्या सरकार उसको रोकने के लिए कोई प्रयास करती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में? आज इसमें एक नया अपडेट ये आया है, कल तो वहां पुरोला के SDM ने कहा था कि हमने इजाजत नहीं दी है और जरूरत पड़ी तो हम धारा 144 लगाएंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले DGP का एक बयान आया है कि आज से लेके 19 जून तक वहां धारा 144 लागू कर दी गई है, कोई पंचायत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पहले जो है इसका आयोजन किया जा, आयोजक बताए जा रहे थे प्रधान संघ, ग्राम प्रधान संघ इसका संगठन, ग्राम प्रधान संगठन इसका आयोजक है। इसके बाद अब ग्राम प्रधान संगठन पीछे हटा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो ये लोग हैं, इन्होंने कहा है कि हम हर हालत में 15 को वहां पे महापंचायत करेंगे, यानी कि अब टकराव की स्थिति लगभग बनती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक अल्टीमेटम दिया गया मुसलमानों को, वहां के बुरुला के मुसलमानों को जो दुकानदार हैं उनको ये कहा गया कि 15 तारीख से पहले अगर आपने दुकानें खाली नहीं करी तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो वक्त पर निर्भर करेगा, जो लिख करके लेटर पोस्टर्स तक लगाए गए हैं, चिपकाए गए हैं लोगों की दुकानों के बाहर, काले रंग से क्रॉस के निशान भी लगाए गए हैं ताकि मुसलमानों की दुकानों का पहचान हो सके। तो क्या लगता है कि अगर 15 तारीख से पहले मुसलमानों ने दुकानें नहीं खाली करी तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड में? दुकानें तो उनकी 5-6 लोगों ने तो बिल्कुल खाली कर दी है, बाकी दुकानें सारी बंद हैं। इसमें एक वाकया बताऊं मैं आपको कि 5 जून की बात है, वहां अब केवल 5-6 मुसलमान परिवार रह गए हैं, 5-6 दुकानदार हैं, तो उनमें से 2 लोग किसी तरह SDM के पास पहुंचे, उन्होंने अपने SDM को एक एप्लीकेशन दी कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमें दुकानें खोलने दिया जाए। तो SDM ने उनकी एप्लीकेशन चलते चलते ली, पढ़ी तक नहीं, और कह दिया ठीक है तुम घर जाओ हम देख लेंगे। इसके बाद ये लोग पुलिस के चौकी में गए, पुलिस के पास गए, वहां CO बैठे हुए थे, CO ने उस समय कहा कि अरे आप क्यों डर रहे हो, हम आपकी आपको कुछ नहीं होगा, और SHO से कहा कि इनकी दुकान एक एक दुकान के बाहर 4-4 पुलिस वाले खड़े कर दो और इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बेचारे आश्वस्त होकर घर आए, 2 घंटे बाद एक पुलिस का सिपाही वहां पहुंच गया, आपको थाने में बुलाया है, चौकी में बुलाया, चौकी वहां पे थाना थोड़ी दूर है। जब ये चौकी में गए तो उस व्यक्ति से कहा जाने लगा एक उनमें से कि तुम्हारे भाई की बड़ी शिकायतें आ रही हैं, उसको समझाओ। और तो उसने कहा यार मेरे पिताजी का एक मैं बेटा हूँ, एक मेरी बहन है, मेरा भाई कहाँ से आया? तो इस तरह से उनको डरा, मतलब झूठ बोल के डराने की कोशिश इस तरह से की जा रही है। तो अब दूसरी बात जो है देवभूमि रक्षा अभियान की जहां बात है, वो पोस्टर उसमें साफ साफ देवभूमि रक्षा अभियान है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वहां, ये जो तोड़फोड़ इसके खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ किया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें बल्कि पोस्टर्स में नीचे लिखा हुआ है रक्षा अभियान। मजेदार बात आगे है, अगले दिन एक फेसबुक पेज है देवभूमि रक्षा मोर्चा का, उसमें दर्शन भारती नामक एक व्यक्ति DGP के साथ अपना फोटो चस्पा कर रहा है फेसबुक पेज पे और लिख रहा है कि हमने DGP को बता दिया है कि पुरोला में ये जो है लव जिहाद की घटना हुई है और वहां जो मुसलमानों की दुकानें बंद करवाई गई हैं उन्हें पुलिस जबरन खुलवाए नहीं, ये उसमें लिख रहा है और DGP के साथ अपना फोटो लगा के। तो इस तरह यानी कि वहां वो अज्ञात है और यहाँ DGP के साथ है, वही तो लोग हैं। जब देवभूमि और देवभूमि रक्षा अभियान के उस पोस्टर के मामले में इसी व्यक्ति ने दर्शन भारती जिसको बताया जा रहा है इसका एक बयान कहीं अखबार में छपा है कि ये पोस्टर हमने तो नहीं लगाए हैं, हमारे नाम से किसी ने लगाए हैं, लेकिन जो इसमें लिखा है वो ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ, एक तरफ वो कह रहा है कि ये पोस्टर हमने नहीं लगाए हैं, लेकिन जिसने भी हमारे नाम से लगाए ठीक लगाए हैं, और पुलिस कह रही है अज्ञात है और DGP के साथ वो उसी देवभूमि रक्षा अभियान के पेज फेसबुक पेज पे अपना फोटो लगा रहा है, कह रहा है हमने DGP को बता दिया है कि वहां दुकानें न खोलें, यानी कि तुम अवैध तरीके से दुकानें बंद कराओ और DGP को बता रहे हो कि दुकानें न खोली जाएं। तो ये चल रहा है यहाँ तो। त्रिलोचन जी, फिर क्या फायदा है डबल इंजन की सरकारों का? डबल इंजन की सरकार भी है, कानून का राज भी है,
सब चंगा भी चल रहा है, उसके बाद भी एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को भगा रहे हैं, जबरन भगाया जा रहा है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, क्या फायदा डबल इंजन की सरकार का? इससे अच्छे तो सिंगल इंजन की सरकारें होती हैं, कम से कम समाज में जहर तो नहीं घुला होता है जी। डबल इंजन तो अपना हित साध रहे, उनका हित इसी में है, इसी से उनको वोट मिलेंगे। कानून के कैसे कैसे हित है, थोड़ा मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी, इससे लोगों के विचार थोड़े क्लियर हो जाएंगे। लोगों को मतलब एक पक्ष का को अगर भगाया जाएगा, हिंदू संगठन के तमाम जो तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हैं, अगर वो लोग सारे मुसलमानों को पुरोला से भगाएंगे, उत्तराखंड में क्या मुसलमान मुक्त उत्तराखंड के नारे लगाएंगे, एक तरह से वो चाहते हैं कि सारे मुसलमान उत्तराखंड से चले जाएं, भाग जाएं, उनको भगा दिया जाए, ये सब कुछ करेंगे तो 2024 की तस्वीर साफ है जी, तो वोट मिलेंगे, लोग झूम कर वोट देंगे, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, पूरे हिंदू ही है, मुस्लिम तो बहुत कम है, तो सारे के सारे संख्या आबादी को खुश करने के लिए कर रहे हैं वहां की सरकार, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊं, कांग्रेस का स्टैंड देखिए, कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके एक प्रदर्शन में नैन बाग में कोई ऐसा ही बंद हुआ था प्रदर्शन, उसमें शामिल है कांग्रेस वाला, और पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष भी कांग्रेस प्रदर्शन में, एक मिनट किसके प्रदर्शन में, बाजार बंद में कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल है, अच्छा बाजार बंद करवाने में शामिल है जिला पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का है वो, वहां पे पुरोला के नगर पंचायत, वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, सॉरी जो नैन बाग में शामिल है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो इस अच्छा। वो शामिल है पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष, जिनसे मैं मिला हूँ वहां पे, वो भी वो कह तो रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, इंसानियत वाली बात नहीं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन खुले रूप से नहीं है। अब उनको भी दिक्कत यह है कि यदि कांग्रेस सीधे सीधे वो इसमें जुड़ जाए, इसके खिलाफत में खड़े हो जाए, जो कांग्रेसी वास्तव में चाहते हैं ऐसा ना हो, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे एक भी वोट जो अभी तक उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा, सारे वोट की राजनीति हो रही है, कांग्रेस भी चुप है फिलहाल तो। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आ छपे हैं, जैसे हरीश रावत जी का छपा है, उनका इस तरह के छुटपुट बयान आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष होने के नाते इस मामले में कांग्रेस को बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए था, सबका जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो संगठन जो पार्टियां, उनका नेतृत्व तो करना चाहिए था कांग्रेस को, वो कहीं नहीं है, उस हिसाब से कांग्रेस पीछे है जी। त्रिलोचन जी, इसके पहले कभी आपने ऐसी कोई घटना आपके अनुभव में आई हो जो इस तरह से खुलेआम नारे लगाए जा रहे हो, भड़काया जा रहा हो, और एक पक्ष के लोग एक पक्ष के लोगों को जिहादी बता रहे हो और सरकारें मूक दर्शक बनी रही हो? पहाड़ों में जो है पहले तो कोई ऐसी बातें होती नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों से होने लगी थी। इस मामले में मैं एक अगस्त मुनि का उदाहरण दूंगा। त्रिलोचन जी, एक बात कही जाती है, कई कहावतें भी हैं, पहाड़ के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, वो लोग अपने रोजाना का जीवन चलाने में व्यस्त रहते हैं, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, तो इसमें व्यस्त रहते हैं, तो ये सब ये जहरीली विचारधारा कहाँ से आ गई, ये इंजेक्शन ये कौन लगा रहा है, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में जी? ये इसका असर इतना ज्यादा है कि लोग जो है ना अपनी रोजी रोटी के बजाय इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, बेरोजगारों ने एक बड़ा आंदोलन भी किया जिस पर उन लड़कों पे लाठियां भी चलाई गई, इसके बावजूद इस इंजेक्शन का असर, इस दवा का असर भरपूर है और नफरत नस नस में भरी जा चुकी है, ये स्थितियां आज की डेट में जी। तो 2024 का चुनाव को देख करके को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में इस तरह का जहर घोला जा रहा है और तमाम मुसलमानों को वहां से भगाया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल। अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है अब आगे की परिस्थिति क्या होगी? फिलहाल तो सबसे बड़ा मसला तो अब ये 15 वाली पंचायत है इनकी, क्योंकि ये तो सोचेंगे कि हम तो करेंगे ही करेंगे, इन्होंने तो इसको तो सरकार होने देगी, आपको क्या लगता है अभी के आप देख रहे होंगे वहां की स्थिति क्या है, सरकार होने देगी या सरकार पीछे से रोकेगी और सामने से होने देगी? अभी तक तो जिस तरह से अधिकारियों के बयान आए हैं तो वो तो ऐसी मनसाल लग रही है कि रोकेंगे ये, अच्छा। लेकिन यदि रोकते भी, क्योंकि दबाव भी है इस तरह का, ये अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस पे सरकार पे और प्रशासन पे दबाव तो है, तो कोशिश तो करेंगे वो रोकने की, लेकिन ये भी कम छोटी ताकत नहीं, ये तो जबरदस्ती करेंगे ना वो, ये तो चाहेंगे या टकराव हो, और किसी न किसी यदि पंचायत न भी हो तो कम से कम टकराव हो एक,
अच्छा, एक आखिरी सवाल है त्रिलोचन जी, आप तो ग्राउंड पर गए होंगे, आपको जमीनी हकीकत बहुत कायदे से पता है, आप जब वहां गए पुरोला में, जब आपने देखा जब मुसलमान लोग वहां से भगाए जा रहे हैं, तमाम दुकानदारों को दुकानें खाली करवाई गई, तो वहां का माहौल कैसा है? बहुत भय का माहौल होगा? नहीं, भय जैसी कोई बात नहीं है वहां, भय क्योंकि अब मुसलमान तो वहां है ही नहीं, सारे वही अपने ही लोग हैं एक तरह से। यहाँ भी, यहाँ जैसे मैं बता रहा था ना कि जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं नहीं भाईचारा बना रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी चुप है अपने, हमें खतरा उनके लिए भी कोई नहीं है, अपने घर में है वो, सुरक्षित है, किसी से कोई खतरा नहीं, सारे अपने ही है। इसी और इसी डर से वो चुप भी है कि यदि कहीं कुछ बोलेंगे तो हो ना हो कोई हमसे भी झगड़ा फसाद कर ले, तो इसलिए वो चुप है, कुछ नहीं बोले, कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोचन जी, उत्तराखंड के जमीनी हालातों के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और उत्तराखंड के बिगड़े हुए हालातों के बारे में हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक और जो जमीनी हकीकत है वो आप लोगों को बताई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।